विद्या अमृतम अनुश्रुते, इसके अर्थ मैं समझने का कोशिश, शायद आजादी के उपरांत जब हमारी देश में एक स्वतंत्र भारत की शिक्षा की कल्पना की गई, ऐसे तो हमारी मान्यता है हम दुनिया की सबसे पुराना सभ्यता है, और हमारी एक शिक्षा प्रणाली थी, पाठ्यक्रम रहा, शिक्षक रहे, और हमारी समाज जीवन में शिक्षक की पर था, वाचन कही हुई प्रसंग था। इसके अर्थ में समझने की कोशिश कर रहा था, विद्या तो कोप्त करना, अमृत तो प्राप्त करना नहीं, अमृत तो को प्राप्त करना, ये बहुत ही बारीकी से समझने से ही जाके इसकी ध्यान में आता है। एक मटेरियल या फिजिकल ऑब्जेक्ट में विद्या सीमित नहीं होती है, विद्या एक पुरुषार्थ को चरितार्थ करने की माध्यम है, उसमें दुनिया में ये मार्ग दिखाने वाला पद्धति है, और हमारी देश में इस काम को माध्यम है करने की दायित्व को सौंपा गया। 40 साल से हूं, उसके 40 साल हूं, 40 साल में से हूं मैं, इस 40 साल में फुल संसद में मेरे को सबसे कोई पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, मैंने दुनिया की विभिन्न इलाका में गया, भारत की संसद में कई सालों में से हूँ, भारत की सरकार के अंदर काम भी कर रहा हूँ, राज्यों में काम किया, संगठक के नाते समाज में अन्य प्रसंगों से जुड़ा भी रहा, लेकिन मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को द्विधा नहीं। अगर मेरे को सबसे कोई चीज़ में ज़्यादा भरोसा लगता है, कोई किसी में आगे में देख पा रहा हूँ, वो केवल भारत की नहीं, वो दुनिया की इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उसकी नाम है NCERT। अभी हम लोग जब इधर प्रवेश किए, NCERT ने हमारी एक छोटी बालक को, आत्मविश्वास से भरा हुआ बालक को चंद्रयान की इंटरप्रिटेशन करवाया। चंद्रयान क्या है? अभी चंद्रयान सभी की जुबान पे है, और चंद्रयान का श्रेय सभी लेना चाहेंगे। चंद्रयान की श्रेय लेते लेते हुए मैंने देखा कि 1981 में चंद्रयान से जुड़े हुए वैज्ञानिक देसाई जी भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, तो केंद्रीय विद्यालय का भी श्रेय है। मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ, केंद्रीय विद्यालय को भी श्रेय देता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी को श्रेय जाएगा तो NCERT को जाना चाहिए, क्योंकि सारे कल्पना का जर्मिनेशन कहाँ हुई होगी, ये पढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक बार कस्तूरीरंगन जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझ रहा था, वो शिक्षक है, वो हमें पढ़ा रहे थे, चंद्रयान 2 की बारे में मेरे को समझा रहे थे। तो चंद्रयान 2 और NEP की सिमिली क्या है, और NEP तो हमारा चंद्रयान 3 ही है, सफल होना ही होना है, उसमें प्रज्ञान घूमना शुरू कर दिया, हमारा भी जादुई पिटारा प्रज्ञान है, वो समाज जीवन में घूमना शुरू कर दिया है।